तो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है भाई वो आपकी चहेती गाड़ी का होने वाला है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना आपने बहुत प्यार दिया है और अब ये गाड़ी आ गई है सीएनजी के अंदर। ये है मारुति की फ्रॉन्क्स। और भाई फ्रॉन्क्स में ना दो वेरिएंट्स में सीएनजी आती है, एक में आती है सिग्मा में और दूसरी आती है डेल्टा में। तो ये बेसिकली डेल्टा है जो कि टॉप वेरिएंट है सीएनजी वाला। तो भाई इसमें क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है फ्रॉन्क्स में सिग्मा और डेल्टा में इस तरीके के हेड लैंप्स आते हैं जो है प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, हाई बीम लो बीम दोनों इसी में होता है। फॉग लैंप्स जो है वो आते नहीं है फ्रॉन्क्स में किसी भी वेरिएंट में। और बाकी इसके अंदर जो है वो डीआरएल्स नहीं आते हैं, बट यहाँ पे एक लाइट आपको दिख जाएगी जो थोड़ा सा पार्किंग लाइट है। और यहाँ पे इस तरीके का इंडिकेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये पार्किंग लाइट है। तो भाई वो जो 3 पॉइंट डीआरएल्स और इंडिकेटर आता है वो इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है, डेल्टा प्लस में आता है, लेकिन उसमें सीएनजी नहीं आती। बाकी एग्जैक्टली सेम ग्रिल आपको मिलेगी जो कनेक्ट करती है इसकी डीआरएल्स में बोलूंगा या लाइट इसकी बोलूंगा इंडिकेटर से, एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर की तरफ इसको कनेक्ट करती हुई जाती है। और ये इसका ओवरऑल लुक है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगती है, ये जो 3 पॉइंट इसके एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं इसके कंपैरिजन में। ये भी अच्छा है नो डाउट, बट लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये यूनिट इसमें लगाओ भाई गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी। बाकी भाई ये जो है ना वो सीरियसली बताऊं वैल्यू फॉर मनी है, 10,40,000 रुपए का ही पड़ता है। थोड़ा सा महंगा है बट लेकिन इसके अंदर वो सारी चीजें आती है जो एक प्रैक्टिकल चीजें चाहिए होती है गाड़ी के अंदर, वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो साइड प्रोफाइलिंग में जो उसका टायर है ना वो भाई आपको 195/60 R16 इंच का मिलेगा जो कि बेस से लेके टॉप तक सेम मिलेगा। और ये इसका ओवरऑल प्रोफाइल आप देख सकते हो साइड से, भाई बहुत ही माचो लगती है बिल्कुल, मतलब बलिनो को उठाया हुआ वर्जन आप कह सकते हो इसको। और बाकी जो इसके इंडिकेटर्स है ना वो ORVM में ही आते हैं, और ORVM जो है भाई ऑटोमेटिक एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही मिलता है। और इसके रूफ रेल्स भी आपको मिल जाएंगे। स्पेशली ये व्हाइट वाला कलर ना मेरा फेवरेट है क्योंकि व्हाइट में ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो भाई जबरदस्त है। बाकी इसमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते। ये इसकी की, अगर इसको इसके अंदर आपको जाना है तो लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग वगैरह की के अंदर ही आती है। तो अब चलते हैं की अंदर और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें ये ऑफर करता है। भाई मारुति ने एक मेरा दिल जीत रही है, हर गाड़ी जो भी ये लॉन्च कर रही है उसमें एक चीज बहुत अच्छी कर रही है कि स्पेशली नेक्सा वाले की प्रीमियमनेस की ना कोई कमी नहीं है। अब जैसे ये वाली गाड़ी है, मान लो एक मिनट में इसको जरा ऑन कर दूं क्योंकि गर्मी बहुत है, ऑन कर दिया। अब देखो गाड़ी की ये इसका स्टेयरिंग है, काफी अच्छा सा स्टेयरिंग है जो स्विफ्ट में आता है उसी तरीके का आपको देख जाएगा। थोड़ा मैं जरा इसका लो कर दूं एसी। भाई ये इसका स्टेयरिंग है और माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम में, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें मिल जाता है आपको। और इसकी कंट्रोल जो है यहाँ पर, अगर आपको फोन पे बात करनी है तो वो कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर है, मतलब हैंग करना है कॉल उठाना है वो सारी चीजें, वॉइस कमांड अगर चालू करनी है वो सारी चीजें यहाँ पे। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो एनालॉग आता है लेफ्ट में जो आपको स्पीडोमीटर देता है, सॉरी RPM का मीटर देता है, और राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर, और बीच में जो है वो आपको डिजिटल मीटर देगा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा। अब इसमें देखो यहाँ पे ये पेट्रोल वाला लेवल है और यहाँ पे CNG का लेवल है। तो भाई स्टार्ट ये पेट्रोल से ही होती है और फिर उसके बाद CNG पे जाती है। बाकी इसके RPM वगैरह ट्रिप ए ट्रिप भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एवरेज रेंज वगैरह, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। बाकी कुछ एज सच कोई ज्यादा डिजिटल वाले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई ज्यादा डिटेल्स आती नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाली जो डिटेल्स होती है वही सब आती है। और भाई ये इसका डैशबोर्ड का लेआउट है, मुझे पर्सनली ना अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या इसका अच्छा लगता है या बलिनो का अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा बलिनो से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और ये आप देखिए इसका जो ब्लैक कलर, थोड़ा सिल्वर, और ये थोड़ा सा डार्किश गोल्डनिश थोड़ा सा ये आप बोल सकते हो, और फिर यहाँ पे ये लेदर टाइप का लगता है बट ये है नहीं, और ये ब्राउनिश कलर का आपको ये मिलेगा। और भाई इसका ग्लव बॉक्स मैं दिखाऊं तो आपको ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। तो भाई इसके एसी ने सही बताऊं बहुत जल्दी चिल्ड कर दिया, काफी अच्छा बहुत ही इफेक्टिव इसका एसी है भाई। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, और ये जो बटन है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। मारुति नेक्सा के ना ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि ये प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा देती है कंपेरेटिव टू अरीना, तो क्योंकि इन्होंने बनाया ये प्रोडक्ट इसके लिए था। तो आप ये देख सकते हैं उसके बटन जो है वो काफी अच्छे से लगते हैं, यूनिक से लगते हैं, प्यारे से, और ये इसका क्लियर दिखता है आपको, जो विजिबिलिटी है इसकी वो काफी ज्यादा क्लियर है। बाकी यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे USB पोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस है, आप मोबाइल रख सकते हैं, और दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका ये गियर लीवर है जो काफी ज्यादा स्मूथ सा है। बाकी एक चीज और देखो, इसका सेंटर पैनल है, इसके ऊपर ये देखिए किस तरीके के, कितना प्यारा सा ये लग रहा है, देखो ना ब्लैक है और थोड़ा सा इसमें कुछ वर्क सा भी दिया हुआ है। बाकी गियर लीवर, इसका ब्रेक लीवर जो है वो वही
जो मारुति का आता है जिस टाइप का वही है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, रखने को सामान रख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ये ब्रेक लीवर के लिए दिया हुआ है भाई, कुछ मत रखना ठीक है। बाकी बात करते हैं डोर पैनल्स की, तो भाई डोर पैनल्स में अगेन ब्लैक और ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, और यहाँ पे क्लोथ दिया हुआ है, तो ये फैब्रिक है जो कि काफी अच्छा लगता है, हालांकि फैब्रिक थोड़ा गंदा हो जाता है, बट ये डल कलर है, डार्क है तो ये इतनी जल्दी गंदा नहीं होगा। बाकी ये चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, फोटिकली एडजस्ट करने के लिए भी बटन यहीं पर है। बाकी राइट हैंड साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो इसका ऑन एंड ऑफ करने के लिए है, फ्यूल लेवल को चेंज करने के लिए सीएनजी और पेट्रोल, बाकी लाइट के लेवलिंग के लिए। बाकी ये देखो ये कितना प्योर, आप स्पेशली ये चीज़ें देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको, ये ना काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठे हो, हालांकि 10 लाख रुपये क्रॉस कर जाती है ये, बट फिर भी जो बट इसका सिग्मा जो वेरियंट है वो 9,30,000-40,000 रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो, बट उसमें ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। बाकी IRVM की बात करेंगे तो IRVM मैनुअली इसमें एडजस्ट होता है, और दो जो है वो लाइट्स मिल जाएगी इसको आपको, इंटीरियर लाइट, और पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है विदाउट लाइट, और ड्राइविंग साइड में नहीं मिलता है। तो भाई बाकी सीटों का कंफर्ट तो मैं इसको बोलता ही आया हूँ, आपने पुरानी वीडियोज भी देखी होगी, काफी अच्छा है सीटों का कंफर्ट, थाई सपोर्ट अच्छा है, देखो कितना उठा हुआ है ये चीजें, और बैक सपोर्ट की बात करेंगे तो बैक सपोर्ट भी देखो कितना ज्यादा उठा हुआ है, काफी ज्यादा उठा हुआ है। बाकी यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं आएगा आपको, आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिया हुआ उसके हिसाब से कॉइन वगैरह या थोड़ा सा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो, बाकी 1 लीटर की बोतल तो इसमें आराम से आई जाएगी, और बाकी थोड़ा बहुत स्पेस है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी काफी अच्छी, मैं आपको सुनना चाहते हो ये देखो, तो काफी अच्छा इसका म्यूजिक सिस्टम भी है, ज्यादा नहीं चलूंगा कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट ना थोड़ा अच्छा है, बट एक कमी मुझे क्या लगती है कि ये देखो ये जो इसका एरिया है ना काफी कम है, तो ये मेरे को ना विजिबिलिटी के मामले में थोड़ा सा इस स्पेशली इस एरिया में थोड़ा कम लगता है, ये इसका जो शीशा है ना विंड स्क्रीन है वो भी थोड़ा सा टिल्टेड है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा इसमें रहता है कि भाई विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, ऐसा नहीं रहेगा बट कंपैरेटिवली अगर दूसरी गाड़ियां देखोगे तो इसके हिसाब से, क्योंकि काफी उठा हुआ है। इसका इंजन इतना स्मूथ है ना कि आपको थोड़ा सा एसी वेंट्स की आवाज आ रही होगी, इंजन की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होगी। अब देखो मैं एक्सेलरेट करता हूं, बहुत ही मिनिमल सी आवाज अंदर आ रही है, ये देखो मेरे को लग रहा है कैमरे में तो वो भी नहीं आ रही होगी, भाई बिल्कुल ही आवाज नहीं है। मारुति का ना मैं दीवाना हूँ स्पेशली इंजन का, यार कोई भी आवाज नहीं आती, अपनी ड्राइविंग जो है ना बहुत ही स्मूथली कर सकते हो, जहां भी आप लॉन्ग जर्नीज पे भी जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, विदाउट नॉइस आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। बाकी अब पीछे चलते हैं, पीछे चल के मैं आपको उसकी सीटिंग कंफर्ट बताता हूँ, सीएनजी का सिलेंडर भी कहाँ प्लेस है वो भी दिखाता हूँ। पीछे अगर आप जाओगे तो भाई मतलब इसकी सीट 60-40 स्प्लिट होती है, वो आपने देखी ली है, और ये देखो लेग रूम, 5'7" मेरी हाइट है जस्ट फॉर रेफरेंस, लेग रूम देखो भाई कितना ज़्यादा है, बीच में भी लाइट दी हुई है, इसको बंद करते हैं ताकि इसका थ्रो पीछे वालों के पास भी आए, आगे लाइट का नहीं आता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पीछे का एसी वेंट्स नहीं है, 12 वॉट का सॉकेट हालांकि आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, बट आप आफ्टर मार्केट भी इसमें ये एसी वेंट्स लगा सकते हैं। और रही बात सीटिंग कम्फर्ट की, तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट है, देखो अच्छा खासा थाई सपोर्ट है इसमें, और 3 लोग भी बड़े आराम से बैठ जाएंगे, बलिनो के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, बलिनो से थोड़ा सा प्लस ही है इसमें स्पेस, तो आप देख सकते हो कि भाई वो कंफर्टेबल तो है बलिनो, उसके हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी एक अच्छी बात क्या लगती है, तीनों के हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, यहाँ बीच में छोटा सा है बट ये भी एडजस्टेबल है, 3-point सीट बेल्ट कंपनी ने दी हुई है पीछे वालों के लिए भी, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट, मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। बट ये एरिया जो है ना बड़ा छोटा सा लगता है यार, ये मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें कि एक ग्लास एरिया बहुत छोटा है, हालांकि इसका जो एक ग्लास एरिया वो भी काफ़ी छोटा सा ही है, आगे वाला ठीक है डिसेंट साइज है, बट ये छोटा है, बट आपको विजिबिलिटी में ना कोई कमी नहीं आएगी। और हेडरूम की अगर बात करोगे तो ये देखो ये मेरा हेडरूम है, 5'7" मेरी हाइट है, मतलब 6 फुट से क्रॉस कर जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, अदरवाइज एवरेज हाइट 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी और 11 तक भी आप प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 फुट क्रॉस करोगे तो 100% पीछे बैठने में दिक्कत होगी, अभी जैसे मुझे नहीं हो रही। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो ये भी मेरे को अच्छे से काफी कंफर्ट दे देगा, लॉन्ग जर्नीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पीछे आपको सिलेंडर दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छी बात पता क्या है, ये देखो शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, इसमें स्पॉइलर दिया हुआ है और स्टॉप माउंट लाइट भी दी हुई है, सीएनजी की बैचिंग है, डिफॉगर इसमें दिया हुआ है, और ये इसका ओवरऑल लुक है, मुझे पीछे से ना बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी जो LED टेल लैम्प्स हैं ये, हालांकि ये कनेक्टेड वाली नहीं है, आप आफ्टर मार्केट इसमें भी काम करा सकते हो, बट ये कनेक्टेड नहीं है, बट ये वाली देखो LED है, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं, वो भी मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर्स और ये इसकी ब्रेक लाइट्स वगैरह हैं, और भाई ये इसका ओवरऑल लुक है पीछे का। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, कैमरा इसके अंदर नहीं आता है, कैमरा आप लगवा सकते हो, और स्किड प्लेट इसकी सिल्वर कलर की है, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं दो, और अब इसके CNG के सिलेंडर को देखते हैं कि भाई किस तरीके से प्लेस्ड है, ट्रे को ऊपर करोगे काफ़ी अच्छे से प्लेस किया हुआ है कंपनी ने CNG के सिलेंडर को। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो स्पेयर व्हील है ना
उसको किस तरीके से देखो इधर को किया हुआ है थोड़ा सा इस तरफ को, ताकि यहाँ पर आराम से सामान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, छोटा सामान आपका आ जाएगा, बट यहाँ पे आप काफी ज्यादा सामान रख सकते हो इस एरिया में भी। तो भाई स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी जो है यहाँ देखो, आप लग रहा होगा ना आपको काफी ज्यादा स्पेस है। तो भाई ये करते हैं इसको बंद। दिल्ली में ये जो ऑन रोड है 10,40,000 के आसपास पड़ जाती है। और बाकी गाड़ी आप देख ही सकते हो, काफी अच्छा अच्छी लगती है भाई, मेरे को पर्सनली काफी पसंद है ये गाड़ी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करेगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।